हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सागर क्लासेस रोहतक यूट्यूब चैनल की तरफ से नमस्कार। देखिए, आज जो हम आपका प्रश्न पत्र करवाने जा रहे हैं वो प्रश्न पत्र नंबर 50 है भाई। आर्मी से रिलेटेड हमने जो है कंप्लीट प्रश्न पत्रों की जो ये सीरीज की है 1 से 50 तक, आज हम 50वां कर रहे हैं। इसमें आपका GS वाला और साइंस वाला पोर्शन आर्मी का कम्प्लीट हो जाता है। तो भाई देखिए, सागर क्लासेज रोहतक यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है आप सभी का, और ये सागर क्लासेस रोहतक, इसके ऊपर आपका स्वागत है। अभ्यास पेपर सेट 50 आज हम करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखें भाई, क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। भारत में राज्यों की राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, ये क्वेश्चन है भाई। तो प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। यह देश का प्रथम नागरिक भी होता है, देश का प्रथम नागरिक। कई बार इसके लिए उम्र पूछ लेता है, तो 35 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है इसकी, 35 वर्ष इसकी न्यूनतम उम्र सीमा होती है। और राज्यपाल की भी कितनी होती है स्टूडेंट्स, 35 वर्ष। और ये नियुक्ति का अधिकार कितने अनुच्छेद में है, 153 में। तो इस तरह से राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रथम नागरिक होता है, 35 वर्ष उसकी एज चाहिए। राज्यपाल के लिए भी उम्र कितनी चाहिए, 35 वर्ष चाहिए। दूसरी चीज़ देखें क्या कहता है, जो आपका राष्ट्रपति है वर्तमान में वो है भी रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। कई बार आपके पेपर में ये पूछ सकता है कि पहला कौन था फर्स्ट, तो फर्स्ट था राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रपति है वो बता दें आपको तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होती है, और इसका जो यह है नियुक्ति करता है किसकी, राज्यपालों की। और राज्यपाल के लिए भी उम्र कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, उत्तराखंड की राजधानी क्या है। मैंने पहले बताया था स्टूडेंट्स, एक राजधानी आपके पेपर में ज़रूर बनेगी, तो उत्तराखंड की राजधानी पूछ ली है इस बार, उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी। उत्तराखंड की राजधानी आप सभी को पता है, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है, देहरादून, देहरादून। देहरादून जो है वो उत्तराखंड की राजधानी है, देहरादून। यहाँ जो है भारत के जो कंप्लीट राज्य हैं किसी एक की राजधानी आ सकती है, जिस तरह से आपका हिमाचल प्रदेश की शिमला है, हरियाणा और पंजाब की चंडीगढ़ है, राजस्थान की जयपुर है, गुजरात की गांधीनगर है, गोवा की पणजी है, महाराष्ट्र की मुंबई है, कर्नाटका की बेंगलुरु है, केरल की तिरुवनंतपुरम है, तमिलनाडु की चेन्नई है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद। तो इस तरह से भी आपका तो तेलंगाना है स्टूडेंट्स, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और आपका अलग से वो तेलंगाना जो है आपको पता है 2014 में अलग से राज्य अस्तित्व में आ गया था। इस तरह से उड़ीसा की भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, झारखंड की रांची है, और भाई आपका मध्य प्रदेश की भोपाल है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है जिसको नवाबों का शहर कहते हैं, इधर भी आपका बिहार है, बिहार की राजधानी पटना है जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। तो पूर्वी राज्यों की है, जिस तरह से नागालैंड की है कोहिमा, असम की दिसपुर है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, त्रिपुरा की अगरतला है, इसकी मेघालय की जो शिलोंग है, मणिपुर की इम्फाल है। तो ये पूर्वी जो राज्य हैं इनकी राजधानी भी आ सकती है। एक आपके एग्ज़ाम में राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो आपको अच्छे से इनकी तैयारी करके जानी है। और तकरीबन हर एक प्रश्न पत्र में आपने देखा ये राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो हमने बार बार रिपीट भी किया है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, एक उत्तराखंड की चर्चा करेगा स्टूडेंट्स, बता दें तो उत्तराखंड में एक जगह है चमोली,
चमोली को जो है हम बोलते हैं फूलों की घाटी। और यहीं पर चला था एक आंदोलन चिपको, चिपको आंदोलन यहीं पे चला था उत्तराखंड में। यहाँ पे ये 1973 में चला था और इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। और स्टूडेंट्स यहाँ पे फूलों की घाटी भी बोला जाता है इसको उत्तराखंड में। एक उत्तराखंड से रिलेटेड पर्सन ज़्यादा पूछता है तो वो पूछता है जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, देश का पहला नेशनल पार्क है ये जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड से रिलेटेड ये यहाँ से पर्सन ज़रूर बन जाते हैं। नेक्स्ट है राम, आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है। लेवल जो आपके पेपर का बहुत ही आसान रहना है स्टूडेंट्स, लेवल से बाहर हमें नहीं जाना है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। कई बार राष्ट्रीय जो पशु पूछ लेता है तो वो है बाघ, कई बार राष्ट्रीय विरासत पशु पूछ लेता है, विरासत पशु तो वो है हाथी, राष्ट्रीय पुष्प पूछ लेता है, पुष्प है कमल, कमल, मिठाई पूछ लेता है जलेबी, मिठाई है जलेबी। तो एक चीज़ राष्ट्रीय से रिलेटेड आ ही जाती है तो आपको ध्यान में रखना है। चलो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है स्टूडेंट्स, मिठाइयों का राजा कौन सी मिठाई है, मिठाइयों का राजा कौन सी मिठाई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सी मिठाई है, मिठाइयों का राजा कौन सी मिठाई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वैसे हमारी राष्ट्रीय जो मिठाई है वो जलेबी है, पशु है वो हाथी है, पक्षी है वो मोर है, और विरासत पशु है, विरासत पशु हाथी है, और पशु जो है वो बाघ है। राष्ट्रीय तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, ये मैं करवा चुका हूँ। तो नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, रामचरितमानस के लेखक कौन है, रामचरितमानस के लेखक, रामचरित मानस के लेखक कौन है, तो रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास, रामचरितमानस के लेखक कौन है तुलसीदास। इधर कई बार ये पूछ लेता है कि रामायण के कौन हैं, रामायण के हैं वाल्मीकि, वाल्मीकि। महाभारत के कौन हैं वेदव्यास, महाभारत के कौन हैं वेदव्यास। और गीता के भी वेदव्यास, रामायण के वाल्मीकि, रामचरितमानस के तुलसीदास। एक कालिदास की भी किताबें ज़्यादा आ जाती हैं, जिस तरह से मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञानम शाकुंतलम, ये सारी की सारी किसकी रचना है, कालिदास की, जिसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो देखें भी क्या कहता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना राजवंश, इनमें से पूछा है कौन सा राजवंश पुराना है, पुराना राजवंश, तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो ये है भी आपका मौर्य वंश, और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी, और ये भारत का सबसे पुराना राजवंश है। तो ये था आपका सबसे पुराना राजवंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी स्टूडेंट्स। 322 ईसा पूर्व के आर बार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा घनानंद को हरा करके इस वंश की स्थापना की थी। यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनकी सहायता की थी कौटिल्य नाम के व्यक्ति ने, उनको कौटिल्य भी कहा गया है, विष्णुगुप्त भी कहा गया है,
और उन्हीं को स्टूडेंट्स आपका ये विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, एक व्यक्ति को तीन नाम दिए गए हैं। और इसकी एक पुस्तक भी प्रसिद्ध रही कि भाई अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसकी रचना है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य की रचना है। तो देखिए अभी क्या कहता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है। तो बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक, तो गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है गीतांजलि पुस्तक की रचना की गई थी। और स्टूडेंट्स इसके लिए इनको वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, नोबेल पुरस्कार, इसके लिए इनको वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्या कहता है देखिए भाई, भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा, भारत वर्सेज चीन, इसके बीच में सीमा रेखा है मैकमोहन, और ये 1914 में निर्धारित हुई थी। सीमा रेखाएं मैं आपको सात रिपीट करवा देता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड कलिफ है, LOC भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन अब वो क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकृत है। चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा है, एक चीन और भारत के बीच में LAC है। देखिए स्टूडेंट्स बता दें आपको, LAC और LOC इनमें दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। LOC जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और LAC भारत और चीन के बीच में है। तीन बीघा कॉरिडोर और शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। तो ये था भाई आपका सीमा रेखाओं से रिलेटेड, तो इसको हम साफ कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स आपका जो सागर क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर आर्मी का लास्ट जो है प्रैक्टिस सेट है, इसके बाद में हम आपको इम्पोर्टेंट टेबल वगैरह जो छुटते हैं उनका भी बीच में एक दो टॉपिक देंगे, और नहीं तो आपका तसल्ली बख्श जो है वो आपका पूरा होता है कोर्स सिस्टमेटिक ढंग से, बारी बारी से, जब तक आपका पेपर न हो जाए तब तक आप जो आपके 50 प्रश्न पत्र हैं इनको बारी बारी से देखते रहिए, इनमें से नोट्स निकालिए। आप एक प्रश्न पत्र को 2 से 4 बार देखोगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा। रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है प्रश्नों में, बार बार रिपीट हुए हैं प्रश्न, तो जितनी बार आप अधिक देखोगे वो याद हो जाएगा। तो देखें भी क्या कहता है प्रश्न है, पेरिस किस नदी के किनारे है। तो पेरिस सीन नदी के किनारे है, पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी। और किसकी राजधानी है पेरिस, फ्रांस की। फ्रांस किस महाद्वीप का देश है, यूरोप का, यूरोप महाद्वीप का देश है फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और ये सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है कि कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध से संबंधित है। काफ़ी स्थान हैं दिए गए ऑप्शन में से बताना है। प्रश्न है कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तो जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है, दिए गए ऑप्शनों के अकॉर्डिंग स्थान है आपका कुशीनगर। कुशीनगर जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त होता है। कई बार जन्म का पूछ लेता है, तो नेपाल की तराई में कपिल वस्तु के निकट प्रॉपर जगह है लुम्बिनी, वहाँ पर उनका जन्म होता है। कई बार ये पूछ लेता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति स्टूडेंट्स जो है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, और इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो संबंधित स्थल जो है वो बोध गया, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, लुम्बिनी जहाँ इनका जन्म हुआ, कुशीनगर जहाँ इनकी मृत्यु होती है, निर्वाण प्राप्त होता है, संत लोगों की मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया गया था। इनकी पिता का नाम जो है वो ये आपका सुदोधन था, माता का नाम महामाया था, पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था,
तो काफ़ी इनसे रिलेटेड मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ, वो बार बार आप देखोगे तो किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में इनकी जीवनी भी ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि डीपली मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया है। एक कई बार प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बोध महासंगीतियाँ, तो चार बोध महासंगीतियों का आयोजन होता है 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व और 172 ईस्वी में चार बोध महासंगीतियों का आयोजन होता है। इनका सथल भी पूछ सकता है। दूसरा, इनके गृह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया। प्रथम उपदेश की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इनसे रिलेटेड पर्सन जो है सारे के सारे हमने अच्छे से किए हैं। तो देखें भी क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के संसद का नाम बताओ। रूस के संसद का नाम, रूस की संसद, एक संसद जरूर आएगी भी पेपर में। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। जिस तरह से कई बार जापान किया जाती है, जापान की संसद का नाम है डाइट, तो एक संसद जरूर आ जाती है। और इससे पहले एक क्वेश्चन रहता है भाई आपका, वंदे मातरम गीत किस किताब से लिया गया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम लिया गया है कहाँ से। आनंद मठ, आनंद मठ से जो है वो वंदे मातरम लिया गया है। और ये किसकी रचना है, ये रचना है आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी की। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी की ये रचना है। और ये आनंद मठ जो है वो वहीं से लिया गया है स्टूडेंट्स, उसी किताब से लिया गया है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी की ही किताब है ये आनंद मठ, तो वहीं से लिया गया है, तो दोनों के जो राइट रेक ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सारक की स्थापना कब हुई। सारक की स्थापना कब हुई, की स्थापना, तो इसकी स्थापना बता दें आपको 1985 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में है। और काठमांडू किसकी राजधानी है, नेपाल की राजधानी है भाई। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर एक मंदिर प्रसिद्ध है, कौन सा मंदिर है, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ यहाँ का मंदिर है, प्रसिद्ध है। दूसरा पॉइंट देखें भी क्या कहता है, गाइड किताब के लेखक कौन है, तो आर के नारायण, कई बार आया ही गाइड किताब के लेखक। गाइड किताब के लेखक, तो गाइड किताब के लेखक कौन है, आर के नारायण। आर के नारायण जो हैं गाइड किताब के लेखक हैं। कई बार पूछा गया है स्टूडेंट्स, एक किताब का राइटर आपके पेपर में 101% मिलेगा। तो देखें भी क्या कहता है, क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज, तो ये अमेरिका की खोज स्टूडेंट्स बता दें आपको, ये कोलंबिया ने की थी भाई, कोलंबस ने, कोलंबस, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। यदि ये पूछ ले कि भाई अमेरिका की खोज कब की थी, तो ये की थी 1492 में, 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। दूसरा पॉइंट आता है कि अमेरिका जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। स्वतंत्रता दिवस तो ये मनाता है भी आपका 4 जुलाई, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट जो है इसमें आ जाएगा आपका, ये कब हुआ था स्वतंत्र घोषित, तो 1776, 1776 में इन्होंने अपना ये घोषित की थी। तो देखें भाई, ये किसके राष्ट्रपति का नाम पूछ ले, तो डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति का नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति का। तो देखें भाई, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति, तो ये थे भी आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ये देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे भाई। उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनको सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में होती है और इनके जन्मदिन 5 सितंबर को अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, कुछ एक सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं। सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठी होती है, तो इसको साफ कर लेते हैं। चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों तक भी पहुँचाइए। ये आपका इस तरह से आर्मी के प्रश्न पत्रों की जो ये सीरीज है, यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते हैं। जीएस और सामान्य विज्ञान इसमें अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। मेरे हिसाब से कोई भी पॉइंट नहीं रहता अभी ट्रेडिशनल सेक्टर का। कुछ एक करंट की चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड हम आपको अलग से वीडियो डालने शुरू करेंगे। तो देखें नेक्स्ट सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन, कहता है सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है। सूखी बैटरी में ऊर्जा कौन सी होती है, ये पूछा है इसने। तो सूखी बैटरी में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है भाई, रासायनिक। सूखी बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, छड़ चुंबक के मध्य में कौन सा चुंबक तब होता है, कितना चुंबक तब होता है। जो छड़ चुंबक हैं, छड़ चुंबक के मध्य में चुंबक तव पूछ लिया इसने, चुंबक तव जो क्या होगा, शून्य होगा। पोल्स के ऊपर जो है चुंबक तव अधिक होता है और मध्य में जो है वो शून्य होता है छड़ चुंबक में। और इसके दो ध्रुव होते हैं छड़ चुंबक के, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्र रूप से छड़ चुंबक को लटकाएंगे तो दोनों उत्तर और दक्षिण में दो ध्रुव इसके ठहरेंगे। तो नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, बेलनाकार लेंस किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किस बीमारी में होता है। तो ध्यान से नाम लिखिए भाई, एस्टिगमेटिज्म में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कई बार पूछ ले दूरदृष्टि दोष में कौन सा होता है। तो देखिए जो दूरदृष्टि दोष है स्टूडेंट्स, उसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की धुंधली, और वहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और आपका निकट दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और इसमें जो है आपका चित्र आपको हिलते हुए दिखाई देते हैं तो सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की गति क्या है, तो 300,000 किलोमीटर प्रति घंटा प्रकाश की गति है 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है घंटा नहीं सॉरी 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति है। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, ये वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं भाई, दूध की शुद्धता। तो दूध की जो शुद्धता है वो मापी जाती है आपकी किससे, लैक्टोमीटर। एक ये भी पूछ लेता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो दूध में विटामिन सी जो है वो नहीं होता है। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से ही मापी जाती है, जिस तरह से वायु का दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, देशांतर का अंतर क्रोनोमीटर से मापा जाता है, वेपोराइजेशन पोटोमीटर से मापा जाता है, तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। तो सारी चीज़ें हम आपको बार बार रिपीट करवा चुके हैं और इस तरह से आपकी बहुत ही गहन और अच्छी तैयारी इस माध्यम से हुई है। तो देखें कहता है ओम की इकाई क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध। ओम किसकी इकाई है विद्युत प्रतिरोध की। ओम जो इकाई किसकी है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। प्रश्न है, गैस को अचानक कंप्रेस किया जाए तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गैस
संपीड़ित की जाए, संपीड़ित की जाए तो तापमान पर प्रभाव, तो गैस संपीड़ित की जाए तो तापमान पर प्रभाव पड़ता है, तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। संपीड़ित करने पर तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट कहता है तारों के समूह को क्या बोलते हैं, तो तारामंडल या आपका आकाशगंगा। तारों का समूह क्या कहलाता है, तारों का समूह, तो तारों का समूह कहलाता है आकाशगंगा, आकाशगंगा। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे, मिल्की वे, या दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला जो है हमारी आकाशगंगा का नाम है। तारों का समूह को आकाशगंगा कहते हैं और ब्रह्मांड में जो बहुत सारी आकाशगंगाएं स्थित हैं। नेक्स्ट है कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन मीटर भाई, कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक, तो क्या है कार्य का एसआई मात्रक, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर जो है कार्य का एसआई मात्रक है, कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर रहेगा। नेक्स्ट है आपका कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता एनर्जी कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी, ऊर्जा कहलाएगी। बिल्कुल आसान आसान बेसिक जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स वो आपके पेपर में पूछेगा, और इसमें ज़्यादा आपको लेवल से बाहर नहीं जाना है, लेवल का बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि जो मेरिट रहती है वो एक दो नंबर से ऊपर नीचे ही रहती है भाई। और जो बच्चा लेवल का ध्यान रखेगा कि भी यहाँ तक ही गहराई में आ रहा है तो वही पेपर को कर पाएगा, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, और आसान पेपर का लेवल रहेगा। चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं तो ये कहूँगा कि एग्ज़ाम होने तक आप सभी के सभी प्रश्न पत्र जो है वो डीपली अपना सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स निकाल के एक्स्ट्रा जानकारी और ऐड करके अपने अच्छे से नोट्स तैयार करो। तो देखें भाई क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि पिंड के स्थानांतरण में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है भाई, पिंड के स्थानांतरण में, स्थानांतरण में ऊर्जा, पिंड के स्थानांतरण में ऊर्जा कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। एक पिंड जो बॉडी है वो यहाँ से और यहाँ तक जाएगा तो इसमें गतिज ऊर्जा रहेगी, ध्यान रहे, और कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है। तो देखें भाई नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो विटामिन सी है, वैज्ञानिक नाम कई बार बताए हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल किस विटामिन को कहते हैं, सी को कहते हैं। किस में होता है विटामिन सी, खट्टे फलों में होता है, खट्टे फल। कौन सी बीमारी होती है, सकरवे बीमारी होती है। बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, मसूड़ों से खून आना होता है, मसूड़ों से खून आना। सागर क्लासेस रोहतक यूट्यूब चैनल के ऊपर विटामिन से संबंधित कंप्लीट टॉपिक है, आप वहाँ अच्छे से जाकर के उसको देख सकते हो। तो देखें भाई नेक्स्ट है आपका कि कार्बोहाइड्रेट किसका रूप होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कौन कौन से कण होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट होता है किस किस का मिला हुआ होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका मिला होता है कार्बोहाइड्रेट। कई बार अणुवत अनुपात पूछ लेता है आणविक, तो ये इसका अनुपात होता है, जिस तरह से ग्लूकोज है C6H12O6, तो यही आ जाएगा ना भाई, यही आ जाएगा, ये इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है कौन सा कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, NaOH, कास्टिक सोडा के रासायनिक सूत्र पूछ लिया, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का क्या है NaOH, रासायनिक सूत्र बताए थे कल। जब पानी जमता है तो घनत्व घटता है भाई, पानी के जमने पर, पानी के जमने पर घनत्व
क्या होगा, घटेगा, घनत्व घटेगा। वैसे बता दें पानी का सबसे अधिक घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और जमेगा तो वो जीरो आएगा, और जीरो आएगा तो घटेगा। 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, इससे 5 होगा तो भी कम होगा और 3 होगा तो भी कम होगा। तो ये जमना बोल रहा है, तो पानी के जमने पर घनत्व क्या होगा, घटेगा। तो देखिए भी क्या कहता है, डेसिबल किसकी इकाई है, तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। डेसिबल किसकी इकाई है, ध्वनि की तीव्रता की डेसिबल इकाई है। डेसिबल इकाई है किसकी, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। दूसरा पॉइंट है आपका, ये आपका लेड पेंसिल में कौन सा पदार्थ होता है, तो ग्रेफाइट होता है। यहाँ ले लेते हैं भाई, लेड पेंसिल में कौन सा पदार्थ होता है, ग्रेफाइट। लेड पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट। एक जो भारी मशीनरी उद्योग होती है उसमें ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक ये जो है कार्बन का अपर रूप है, ये 3% इससे रिलेटेड भाई। दूसरा पॉइंट देखें क्या कहता है, मानव में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं, तो मानव में हड्डियाँ होती हैं, मानव में हड्डियाँ 206। कई बार सबसे बड़ी हड्डी पूछ लेता है तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, सबसे छोटी पूछ लेता है तो सबसे छोटी होती है स्टैपीज, सबसे छोटी हड्डी होती है। तो छोटी हड्डी, बड़ी हड्डी, कुल हड्डियाँ, तो ये इस तरह का प्रश्न स्केल्टन सिस्टम का जो टॉपिक है हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो देखें भी क्या कहता है, लाल रुदे उड़ने वाले मात्र एकमात्र स्तनधारी का नाम, उड़ने वाले स्तनधारी का नाम कई बार बता चुके हैं, उड़ने वाला स्तनधारी, उड़ने वाला स्तनधारी है आपका कौन सा, चमगादड़। चमगादड़ जो है इसको प्रकृति का राडार भी बोलते हैं, ये आपका पैरासोनिक पराश्रव्य तरंगों के ऊपर काम करता है, और ये सबसे छोटा स्तनधारी भी है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा भाई कि लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होता है मतलब आरबीसी का निर्माण है अस्थि मज्जा में। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कंप्लीट अच्छे से समझाया गया है सागर क्लासेज रोहतक यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप ब्लड सर्कुलेशन डालोगे तो कंप्लीट आपको लेक्चर मिलेगा, अच्छे से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये था स्टूडेंट्स आपका यूट्यूब चैनल सागर क्लासेज रोहतक के ऊपर आपका अंतिम अभ्यास प्रश्न पत्र। तो इसी के साथ ये ओवर करते हैं हम, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए भी, प्रश्नों का रिपीटेशन है। अब ज़्यादा अभ्यास प्रश्न पत्र जो संख्या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं में से ही वो अलग से प्रश्न पत्र निकाल रहा है। कुछ एक टेबल रहती हैं वो, और समय रहते मैं आपको करवाऊंगा। और उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको यह पसंद आया होगा जो आपका सफ़र था अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 1 से अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 50 तक का। इसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आप लोगों ने देखा भी। बस हरते बस जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं वो अपने नोट्स खुद बना लें, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय भारत, जय हिंद।